हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर कर रहे हैं एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। प्लस टू केमिस्ट्री का ही चैप्टर है जो हमारे पास। तो हम कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जो आज हमने करना है डैट टॉपिक इज ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो सबसे पहले हम जो है वो ये बताना चाहेंगे कि भाई कौन कौन से हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर एजेंट हैं जो हमारे पास, वो है हमारे पास मोस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, और हमारे पास KMnO4 भी एज यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा टोलन्स रिएजेंट, टोलन एंड फैलिन सॉल्यूशन भी यूज़ किए जा सकते हैं। सो एसिडिफाइड मतलब कि एसिड के प्रेजेंस में इन द एसिडिक मीडियम वी कैन यूज़ द Ca2O2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट। इसका नाम क्या है? पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये ऑरेंज कलर का होता है हमारे पास, और ये हमारे पास पर्पल कलर का होता है, ठीक है। इसका पर्पल सॉल्यूशन है, ये ऑरेंज कलर का सॉल्यूशन है हमारे पास। तो इनको हम ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो वी कैन यूज़ इट फॉर द ऑक्सीडेशन। सो सबसे पहले हम KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करते हैं। तो KMnO4 के साथ जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, हमारे पास एसिड बन जाएगा। तो प्रोपानल की करेंगे तो हमारे पास प्रोपानोइक एसिड बन जाएगा। सो प्रोपानोइक के देखो, प्रोपानल है हमारे पास CH2CHO। दिस ग्रुप इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है जो हमारे पास, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। कौन से में? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में चेंज हो जाएगा। सो लेट्स सी, KMnO4 की प्रेजेंस में हम ऑक्सीडेशन करते हैं। जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो हम इसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ सिंबल फॉर द ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन जब करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, मैंने अभी बताया कि एसिडिफाइड हमने यूज करना है, मतलब के एसिड की प्रेजेंस में, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा प्रोपानोइक एसिड। तो ये क्या था हमारे पास? प्रोपानल से क्या बन गया हमारे पास? प्रोपानोइक एसिड। तो ये हो गई हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो अगर हमारे पास मान लो कि कोई दूसरा रिएजेंट है हमारे पास, मान लो कि हमारे पास पोटाशियम डाइक्रोमेट भी हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, तो यही एरोमेटिक रिंग के ऊपर भी रिएक्शन हो सकती है। अगर हमारे पास बेंजाल्डिहाइड है, एरोमेटिक है, एरोमेटिक एल्डिहाइड है ना हमारे पास, वो कौन सा है? बेंजाल्डिहाइड। उसकी ऑक्सीडेशन हम करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट बोलेंगे। तो एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट हमारे पास क्या होगा? तो पहले तो हम स्ट्रक्चर बना लें जिसकी ऑक्सीडेशन हमने करनी है। तो ये है हमारे पास बेंजाल्डिहाइड। व्हाट इज दिस? बेंजाल्डिहाइड। इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे हम, तो इसकी ऑक्सीडेशन हम किस में करते हैं? पोटाशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट में। सो एसिडिफाइड मतलब एच पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन में, पोटाशियम डाइक्रोमेट Ca2O7। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? सीधा का सीधा बेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो हमारे पास कौन सा प्रोडक्ट बना? बेंजोइक एसिड बन गया।
So this is a formation of acid by the oxidation process of aldehyde and ketone. So ketone की भी की जा सकती है, ठीक है, तो उसके लिए हम टॉलन रिएजेंट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं कीटोन के लिए, ठीक है। एस्टाल्डिहाइड को जैसे एसिटेटाइन में चेंज किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टॉलन्स रिएजेंट, सो उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन कैसे की जाती है, दिस इज़ हाउ द ऑक्सीडेशन इज प्रोसीड। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।